होली के दिन चंगी चरला में हिंदू फेस्टिवल मना रहे थे, होली खेल रहे थे, होली दहन कर रहे थे साउंड सिस्टम लगाकर, लेकिन बाजू की एक मस्जिद में से एक झुन आता है महिलाओं पर, वहां पर होली खेल रहे नौजवानों पर पथराव करते हैं, लाठी डंडों से हमला करते हैं और उनको घायल करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पुलिस सिर्फ एक साइड ही कार्रवाई करती है, हिंदुओं के ऊपर उल्टा मार खाने वालों के ऊपर पुलिस केस बुक करती है। और जो सौओं की संख्या में, जो मस्जिद में से निकलकर जो लोगों ने हमला किया है, सिर्फ 7 मेंबर्स के ऊपर पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है। ये मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से, के एक समय पहले टीआरएस की सरकार थी, वो समय पर भी हिंदुओं पर जुल्म ही हुआ, जनता ने थककर उस सरकार को खत्म किया और भूल के कांग्रेस को जिता दिया। यहां के हिंदुओं को पता नहीं था कि कांग्रेस का राज्य हो या टीआरएस का राज्य हो, हिंदुओं को तो मार ही खाना है, क्योंकि यहां की सरकार है असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर चलती है, एमआईएम के इशारे पर चलती है। आज देखिए, जो लोग मार खा रहे उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको खाना पानी बंद कर दिया। आज हम बहुत सारे कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर राशन पानी लेकर चंगी चरला में जो लोग घायल हुए, जिनके घर टूटे हैं, उनसे आज हम लोग मिलने की योजना बनाए थे, लेकिन हमारे घर के पास पूरी पुलिस फोर्स आ गई, 8 से 10 पुलिस स्टेशनों के इंस्पेक्टर, पूरी पुलिस फोर्स आके हमें बोल रही है कि आप हाउस अरेस्ट है, आज आप बाहर नहीं निकल सकते। ये है कांग्रेस के राज्य में, ये चल रहा है तेलंगाना में हिंदुओं के ऊपर जुल्म। ये देखिए, मैं मुख्यमंत्री एवं पुलिस अधिकारियों से निवेदन करता हूं, जो हिंदुओं पर केस लगे वो वापिस ले, और जो झुंड में आकर, जो कुत्तों का जो झुंड में आकर जिन्होंने हिंदुओं पर हमला किया उन पर एक्शन ले, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन करना हमें भी आता है।